हेलो व्यूअर, वेलकम टू बैक माय चैनल जे बी मेंटोर। और मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज किया है, जे बी मेंटोर रखा है। इससे पहले ऑल इन ऑल जॉब्स एंड बिजनेस था, तो वो काफ़ी लंबा था। कई दोस्तों ने कहा है कि इतना लंबा नाम नहीं, कोई आसान सा रखें। तो जे से जॉब और बी से बिजनेस मेंटोर। ऐसे जो मेंटोर का मतलब बनता है वो एक टीचर कहलाता है। तो इसमें जो इस वीडियो में आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने दो पोस्टें लिखी थी अपनी कम्युनिटी में, ये पूछा था कि क्या जो फाइनल लिस्ट लगेगी जेल पुलिस की, उसका जो मेरिट लिस्ट किस तरह बनना चाहिए, एनटीएस के मुतलक बनना के नंबरों के हिसाब से बनना चाहिए, कि जैसा कि किसी के 80 हैं, 85 हैं, 90 हैं, या 60 हैं, या 70 हैं, उसके मुताबिक बनना चाहिए, या फार्मूला के मुताबिक बनना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट्स किए हैं, अब इनका रिस्पॉन्स भी देते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि लोगों के जो लड़कों की क्या सोच है। इससे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और साथ साथ में मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, और जो मेरे पास मालूम आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। पहले जो हमारे वहीद अहमद ने कमेंट्स किया है, उसने कहा है जी एनटीएस बेस पे होना चाहिए, ये भी ठीक है। वैसे जो जितने दूसरे महकमे होते हैं उसमें तकरीबन तकरीबन एनटीएस के जो नंबर आते हैं उसी बेस पे बनता है, लेकिन इस मरतबा जो जेल पुलिस है उसने अपना निज़ाम ये चलाया। उसके बाद जमशेद मलक है, उन्होंने कहा है कि भाई कितने दिनों तक लग जाए, ये उसने पूछा है कि किस कितने दिन तक ये जो है लग जाएगी। तो माई विलेज ने से जवाब दिया है कि 20 तारीख तक बिल्कुल। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कुछ कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि ये 20 से पहले लग जाए या 20 के बाद भी लग जाए। अभी तक कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जो ही कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बता दिया जाएगा। सिकंदर हयात हैं ये हमारी, जो माशाल्लाह इन्होंने तो अपनी काफ़ी एक अच्छा नंबर लिए हैं, और मेरा ख्याल है इनके लिए जो जॉब है इनकी हो चुकी है, क्योंकि इतना नंबर और 81 नंबर भी हैं और ए ग्रेड भी है। और उसके अलावा एम कलीम है, ये भी हमारी जो है रेगुलर व्यूअर हैं और हर वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं। इनको मैं बहुत शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि ये बड़ी बात होती है किसी को आपने रिस्पॉन्स करना हो। इससे जो हमने मेहनत की होती है हर तकरीबन, यार एक बात मैं आपको बता दूँ, जो भी वीडियो बनती है उस पर जो वीडियो बनाने वाला है वो ज़रूर मेहनत करता है, ठीक है। उसकी मैं आपको अगर बताने लग जाऊँ, तफसील बताने लग जाऊँ, तो काफ़ी टाइम लगता है वीडियो पर, ठीक है। और जो सिकंदर ही आते हैं ये भी लाजमी कमेंट्स करते हैं, यार फीडबैक ज़रूर दे दिया करो, बहुत अच्छी बात होती है। इससे और मज़ीद पता लग जाता है कि यार किस तरह वीडियो बनाऊँ, वीडियो में कौन सी कमी कोताही है, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अली ने भी कमेंट्स किया, इसने कहा है कि लिस्ट लग जाए, बिल्कुल भाई जो है लिस्ट है ये 20 तारीख तक कहा जा रहा है, इससे आगे पीछे भी हो सकती है, ये कन्फर्म नहीं है। उसके अलावा आमिर खान आए हैं, उसने कहा जी फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला ये भाई जेल पुलिस की ही तरफ से अभी कुछ नहीं, मैं तो नहीं कहता कि फार्मूले के मुताबिक लगेगी या एनटीएस के नंबरों के मुताबिक, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन बन गई है। कोई एक फार्म मैंने दिखाया था, उस फार्म के मुताबिक जो है कुछ समझ नहीं आ रही क्या बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यार जिस तरह भी हो, जो जॉब के हकदार हैं उनको जॉब जरूर मिल जाए। सिकंदर याद ने फिर कमेंट्स किया कि यार जल्दी लग जाए, उम्मीद तो बड़ी है कि बहुत जल्दी लगेगी। उसके बाद काशफ अफवान ने कहा जी मेरी इन्हों की भी ये हुई ख्याल है कि यार जल्दी लग जाए। अली भाई ने कहा जी फार्मूले के मुताबिक जो लड़के इस जॉब के हकदार हैं उन्हें ज़रूर जॉब मिलनी चाहिए। मोहसिन सिंधु आए ने, इन्होंने कहा जी एनटीएस के हिसाब से हो, ऐसा ही हो जी। फिर किया जी एनटीएस के मुताबिक, ठीक है भाई। उसके अलावा मोहम्मद अवैस खां आए, उन्होंने कहा जी एनटीएस के फार्मूले के मुताबिक, ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद कलीमुल्ला, फिर एनटीएस के नंबर पे होने चाहिए, ये बात है कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एनटीएस के नंबरों पर लेते हैं, तो इन्हें भी चाहिए कि एनटीएस के नंबरों पर ही लें। उसके बाद जो हमारे पहले जिन्होंने सबसे पहले कमेंट्स किया वो मोहम्मद शकील खां है, उन्होंने कहा जी एनटीएस के मुताबिक। तो उसके अलावा एक और जो है कमेंट्स जो कम्युनिटी लगाई थी, इस पर मैंने कहा था कि आपको कौन सी मालूमात चाहिए, ये भी आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद अहमद जो है भाई आपकी ये खूबी है, इसने मेरी तारीफ़ किया। मोहम्मद अहमद ने भाई बहुत शुक्रिया यार,
बड़ी अच्छी बात है यार, बड़ी बड़ा दिल वाला आदमी जो हो ना वो ही किसी की तारीफ करता है। हमने देखा है बाज़कात बहुत कम ही लड़कियां जो किसी लड़कों की तारीफ करती हूँ, ठीक है। लड़कियों की तो फिर आपको पता ही है, जब मोहम्मद शकील खान फार्मूला बेस पर सिलेक्शन होगी या NTS के। अभी भाई शकील इसके कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन का पता, ना ही किसी को पता। मेरा ख्याल है कि इसके मतलब का कोई रिलेटेड ना ही किसी को पता हो तो बेस्ट है, क्योंकि यह महकमे को किसी भी अदारा, जो भी अदारा, उसको हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से सिलेक्शन करे। सर, इनकी सैलरी में जो इजाफा हुआ है, वसीम ने पूछा है कि 10,000 रुपया जो है इनकी जो जॉब बड़ी सैलरी में इजाफा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है। और जो न्यू भर्ती है उसमें तकरीबन, इनकी जो न्यू भर्ती है उसमें तकरीबन ये 7 से 8 हज़ार या 6 से 7 हज़ार के दरमियान जो है इजाफा हो सकता है। उसके अलावा जी गुजर आए ने जी, उन्होंने कहा जी सर, अगर सिलेक्शन के बाद कुछ टाइम जॉब करने के बाद अगर कोई डिपार्टमेंट चेंज करना चाहे, मतलब पंजाब पुलिस में जाना चाहे तो जा सकता है जी। तरीकाकार ये आप जेल पुलिस से तुम भर्ती जो पंजाब पुलिस से जाना चाहते जो, तो न्यू तुम रिक्रूट होगे, अपनी न्यू रिक्रूटमेंट होएगी, न्यू एप्लीकेशन दोगे पंजाब पुलिस के ही जाओगे। लेकिन इस तरह नहीं है कि तुम कोई डेपूटेशन तो इधर नहीं जा सकते जेल पुलिस के पंजाब पुलिस, न्यू भर्ती तुम्हें होना पड़ेगा। सर, मेरिट लिस्ट कब लगेगी और मेरिट किस तरह सेट होगा, आई मीन मिनिमम मेरिट कहाँ तक होगा? अच्छा भाई, यह जरा सवाल है सारे दोस्तों ने पूछा और मैं सारे दोस्तों ने यही जवाब दे रहा कि जरा मिनिमम का कोई पता नहीं, मैक्सिमम जरा है ना वो जड़ा है ना 60 तो स्टार्ट हो रहा है या 60 तक जाएगा। इतों सीधा सुनने आ रही है लेकिन हजे कुछ कन्फर्म नहीं, लेकिन 60 तक जरा 60 तक हूँ कुछ जड़ियाँ एक तुम कह लो छापर जरा उड़ना शुरू है। तो मेरिट लिस्ट किस तरह सैट कर रहे ये नहीं कोई हजे कन्फर्म हो सकया। उस अलावा नियामत मलिक आए जी, मेरा बी ग्रेड है और 62 मार्क्स, कोई चांस बनेगा? अच्छा यार, कोशिश तो यही है कि ताड़े नंबर अच्छे ने, उस बी ग्रेड है मैट्रिक दे, हुण उन्होंने ग्रेड कैसे ना सेट करना, अजे तो कोई कन्फर्म नहीं हैगा, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, नंबर ताड़े अच्छे ने NTS के मुताबिक तो हो सकता है, चांस हो सकता है। वकास खान आया कि जेल पुलिस में क्या पंजाब पुलिस की तरह ड्यूटी ओवर टाइम करके छुट्टी मिल सकती है? वाह जी वाह, वकास साहब ने बड़ा बड़ा सवाल कर दिता जी। अच्छा, पंजाब पुलिस दे विच या जेल पुलिस दे विच कुछ इस तरह दी सहूलतां हुंदियां कि तुसी ना जेल पुलिस दे विच डबल ड्यूटी कर लैंदे जो, रात दी मसलन 8 घंटे किसी दोस्त नाल कर लैंदे जो, एक मेरी ते एक जैसा कि किसी और दोस्त दी, ते फिर तुसी सुबह दी जड़ी हैगी तुहाडी ड्यूटी वो दूसरा दोस्त करके तुसी इस तरह जा सकते। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलता, मसलन कि किधर तुसी कर सकते जो, लेकिन मुश्किल नहीं। सैफुल्ला क्या जी, सर ये बता देना कि लिस्ट कब लगेगी? जी कन्फर्म नहीं, लेकिन 20 तारीख तक सब लोग कह रहे हैं। जमशेद मलिक है जी, मेरिट लिस्ट कब लगेगी? 20 तारीख तक लग जाएगी जी। पबजी स्ट्रीमर आया जी, मेरिट लिस्ट पर मुझे कॉल आई थी। हाँ बिल्कुल, इस मौजू पर मैं तुम्हें वीडियो बनाई है कि वो उन्होंने फिर कॉल जड़े है ना मियाँ वाली हाई सिक्योरिटी वाले लड़के, उन्होंने फिर कॉल आई है कि ताड़ा आई डी कार्ड अगर मिस है, तो जिन्होंने मिस सन उन्होंने वास उन्होंने कॉल करके वो आई डी कार्ड मंगवा रहे हैं। यदा वजह यह भी हो सकती है कि कोई कंप्यूटराइज जी सॉफ्ट कापी डाकूमेंटेशन रिकॉर्ड की जी हैगी, डाकूमेंट्स की जी एक सॉफ्ट कापी कंप्यूटर तैयार करने वास्ते ताड़े को व्हाट्सएप पर ही मंगवा रहे हैं। तो ऐसी अज की इनफॉरमेशन मिलने नैक्सट वीडियो चौके। अल्लाह हाफिज़।